एकोंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार चुप चुप न हो वही जे लाए रहा लवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाण पालक हो ता इक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े तुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई देवे नान ते जो बोले इहां उहां सच होए जो मांगे ठाकुर अपने सोई देवे सोई देवे चतुर दिशा तीनो बल अपना सिर ऊपर काज तारियो चतुर दिशा तीनो बल अपना सिर
प्यास से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, खास करके जितने सेवादार बैठे हैं, कल को संगत में से भी कई सेवादार बनेंगे, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि सेवा वो चीज है साथ संगत जी, अगर करने का ढंग आ जाए तो गुरु नानक की प्राप्ति सीधा 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 बहुत जल्द वो भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा करने वाला बहुत जल्द पहुंच जाता है, बस ढंग आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर सेवा करने वाला गलती कर बैठे, भूल कर बैठे, तो उसका दंड बड़ा भयानक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस काम में जितना रिस्क होता है उतना लाभ भी होता है, सब समझते हैं इस बात को, जितना बड़ा लाभ होता है उतना बड़ा रिस्क भी उसके पीछे होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही सेवा जो गुरु के चरणों में पहुंचा सकती है, बहुत जल्द जन्म का भी छोड़ा डाल सकती है गुरु के चरणों से, अगर करने का ढंग ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा गुरु नानक मेहर करे। आज ये समझने की कोशिश करें, सेवा कहते कैसे, सेवा करते कैसे हैं, सेवा में कौन सी चीजों का परहेज करना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास चाहता है, पता है मेरा मन क्या करता है, इतनी इतनी सेवा करते हैं ना जो सेवादार बैठे हैं, इनके चरणों पर मेरा सर, एक एक के चरणों पर पूरी पूरी रात सेवा करते हैं, बारिश में पूरा भर जाता है पानी रोज, ये पूरी रात बैठकर पानी निकालते संगत के आने से पहले, छह छह आठ आठ घंटे सेवा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो वस्त्रों की सेवा करते, गुरुसेव जी को सजाने की, रोज चंदो आप पूरा सेट बदलना, एक एक सेवा अगर आप ध्यान दें, हेडफोन की सेवा, कितने लोगों की गालियां सुननी पड़ती है इन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुरा बनना पड़ता है इन्हें दूसरों के सामने, इनकी सेवा धन्य है, एक एक की, एक एक की सेवा। मैं तो इस लायक नहीं कि इनकी जैसी सेवा कर सकूं, पर मन करता है कि इनकी झोली सबकी भर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनसे वो भूल ना हो जाए सेवा में, जो ऐतिहासिक घटनाओं में पता चलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। झोली भर के ले जाए सब जितने सेवादार है, क्योंकि गुरु नानक पातशाह की वाणी कहती है, श्रवण कीजिए ध्यान से, विच दुनिया सेव कमाए ता दर गए बैसन पाए, कहो नानक बाह लुड़ाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विच दुनिया सेव, सारे बोलिए विच दुनिया सेव कमाई है, फिर से बोलिए विच दुनिया सेव कमाई है। इस अक्षर को ध्यान देना, सेवा करना और सेवा कमाने में जमीन आसमान का अंतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कह रहे हैं विच दुनिया सेव कमाई है, यहाँ पर आकर संगत की सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या होगा, दरगाह में तेरा स्थान रजिस्टर हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कह रहे हैं तेरे पहुंचने से पहले तेरा स्थान वहां पर रजिस्टर हो जाएगा। विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगह बैसण पाई है, सच खंड वसै निरंकार के चरणों में स्थान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहो नानक बाह लुड़ाई है, बाह लुड़ाई है पता किसे कहते हैं, जब कोई आदमी युद्ध जीत के आए, कहीं पर कुछ जीत कर आए तो कैसे चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा सा मान से चलता है, थोड़ा से कि हाँ मैं कुछ करके आया हूँ, दरगाह में इस प्रकार चलेगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहो नानक बाह लुड़ाई है, बाहें खोल कर चलेगा वो वहां पर रिस्पेक्ट से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी डिटेल में बताया गुरु नानक पाशा ने, विच दुनिया सेव कमाई है। अब कमाने का ध्यान से अर्थ समझिए, पिता ने बेटे को भेजा दुकान खोल कर दी कि दुकान पर बैठ, सुबह से लेकर रात तक बैठता है,
रोज बैठते हैं, हफ्ते बाद पिताजी ने हिसाब मांगा, दास दुनियावी तौर पर समझा रहे कितना कमाया, कहने लगा कुछ नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगा इतनी देर किया क्या, कहने लगा बैठा तो हूं ना दुकान पर, मैंने तो कर रहा हूं ना पूरा दिन बैठता हूं। कहने लगे तेरे बैठने का क्या करूं जब कमाया कुछ नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात समझ में आ रही, सेवा करना और बात है, सेवा कमाना और बात है। कोई 18-18 घंटे सेवा करे खड़े रहकर, जरूरी नहीं कि वो कमा भी रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा करने में और कमाने में जमीन आसमान का अंतर है। सेवा करना मेहनत है, पर अगर करने का ढंग ना आया तो कमा नहीं रहा, समय व्यर्थ गवा रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबसे मूल शर्त कमाने की सेवा, सबसे मूल शर्त। इसमें दो तीन शर्तें हैं लागू होती है सेवा करने में। इन तीन शर्तों को जितने भी सेवादार हैं हृदय में लिख लो, इन्हें मोबाइल में रख लो, स्क्रीनशॉट बनाकर घर में फोटो बनाकर लगा लो ताकि ये गलतियां ना हो। सबसे मूल शर्त सेवा की, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। चित लाए का भाव क्या है यहां पर, कि कोई झाड़ू मारे तो ध्यान से झाड़ू मारे चित लगा कर, कोई लंगर बना रहे तो चित लगा कर लंगर बनाए, नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नामा कहे त्रिलोचना मुखते राम संवार, हाथ पांव कर काम सब चित निरंजन नाल। हाथ से सेवा कर, चित में वाहेगुरु वाहेगुरु कर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सेवा करते हुए सिमरन साथ में नहीं है, बातें कर रहे हैं, ध्यान देना एक बात से, अगर बातें कर रहे हैं तो ये काम हो रहा है, सेवा नहीं, फिर सेवा कमा नहीं रहे, कर रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बार दास ने टोका है, बहुत बार दास ने देखा, बहुत सारे सेवादार हैं जो जुड़कर सेवा करते हैं नाम जप कर, पर कुछ ऐसे भी हैं जो बातें करते हैं यहाँ वहां की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खास करके लंगर सेवादार, इनको तो बहुत ध्यान देना चाहिए कि सेवा करते हुए कोई बात ना हो, क्योंकि यहाँ पर नाम जपते जपते प्रसाद बन रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक एक आदमी ने नाम जपने वाले ने प्रसाद खाना है, वो प्रसाद बनता ही तब है जब नाम जपते जपते बनाया जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप खास ख्याल रखा कीजिए, ये मूल शर्त है, मूल शर्त। सेवा तभी सेवा है जब सेवा में सिमरन शामिल हो। अगर सेवा में बातें चल रही हैं यहाँ वहां की तो वो सेवा कर रहे हो, कमा नहीं रहे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो इसको सबसे पहले गांठ बांध लो कि जब भी सेवा करे, कोई भी सेवा हो, इशारों में बात करो, क्योंकि सिमरन चल रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या तो फिर अगर सब मिलकर बना रहे हैं लंगर तो जोर जोर से सतनाम वाहेगुरु करके बनाओ, जैसे लंगर साहब गुरुद्वारे में बनता है हजूर साहब में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मूल शर्त सेवा के साथ अगर सिमरन नहीं तो वो सेवा नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूसरी शर्त, आओ दो पंक्तियां पढ़ ले, साथ साथ में विचार करें ताकि बात पूरी तरह से मन मान जाए कि सेवा कमानी कैसे है। तेरी सेवा, तेरी सेवा मुक्त भुगत जुगत, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा भुगत भुगत जुगत, तेरी सेवा। जिस तू आप करा, जिस तू आप करा, तू आप कराए, जिस तू आप कराए, जिस तू आप कराए, जिस तू आप कराए। तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा मुक्त भुगत जुगत, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा मुक्त
से बोलिए धन गुरु नानक। एक गांव, गांव में एक झगड़ालू औरत, हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गांव में झगड़ालू औरत, हर एक से झगड़ा करती रहती है, यहां की बात वहां, वहां की बात यहां, झगड़े कराती रहती है। छोटा सा गांव में सब परेशान हो गए उससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गांव वाले डरते हैं, उसे कुछ कहते नहीं। क्यों? उसने कहानी फैला रखी है। उस औरत को ऐसे लगता है कि मेरे पास एक मुर्गा है, वो बांग देता है तो सूरज निकलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैं ये गांव छोड़कर चली गई तो यहां पे सूरज नहीं निकलेगा। मेरा मुर्गा बांग देता है तो सूरज निकलता है। अगर मैं इस गांव से चली गई तो सूरज नहीं निकलेगा, गांव अंधेरे में डूबा रह जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सारे गांव वाले बेचारे भोले वाले डरते हैं कहीं चली ना जाए, पर इतने परेशान हो गए उसके झगड़ा कराने से। एक दिन सारी पंचायत बैठी, कहने लगे हम अंधेरे में रह लेंगे भाई, तू यहां से चली जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो औरत गुस्से से चली गई दूसरे गांव में, मुर्गा अपना ले गई, और वहां जाकर बड़ी हंस रही, खुश है। क्या पता चलेगा सबको जब सुबह सूरज नहीं निकलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पता चलेगा सबको जब सुबह सूरज नहीं निकलेगा, क्योंकि मुर्गा तो मैं ले आई हूं, ये बांग नहीं देगा, सूरज नहीं निकलेगा। सबको ये बात कहती फिर रही है। कोई सियाणा मिल गया, कहने लगा मूर्ख, तेरा मुर्गा बांग देता है इसलिए सूरज नहीं निकलता, सूरज निकलता है इसलिए मुर्गा बांग देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सूरज निकलता है इसलिए तेरा मुर्गा बांग देता है। तू अंकार में बैठी के तेरा मुर्गा बांग देता है इसलिए सूरज निकलता है। अंकार मत कर, मूर्ख है तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी हंसने वाली बात है, सब हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, पर हमारा भी यही हाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कैसे? हम भी अपनी अपनी सेवा का मुर्गा पकड़ कर बैठे हुए हैं। क्या मुर्गा पकड़ा हुआ है? अगर मैं सेवा नहीं करूंगा तो ये सेवा नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं सेवा करता हूं इसलिए हेडफोन की सेवा होती है, मैं सेवा करता हूं इसलिए लंगर की सेवा होती है, मैं सेवा करता हूं इसलिए जोड़े घर की सेवा होती है। अगर मैं ना रहूं तो सेवा नहीं होगी। अरे मूर्ख, सेवा है इसलिए तू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो औरत मुर्गे को लेकर खुश हो रही है, हम भी अपनी सेवा को लेकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि मैं हूं तो यह सेवा हो रही है, अगर मैं ना रहूं तो सेवा नहीं होगी। भाई सेवा है इसलिए हम हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जोड़े घर की सेवा है इसलिए हमें सेवा मिली है, अगर जो जो भी सेवा जिसको मिली है वो सेवा है तभी मिली है, हमारी वजह से नहीं है। हम चले जाएंगे, मर जाएंगे, दुनिया नहीं रुकने वाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो औरत मुर्गे को लेकर बैठी अहंकार में, हम अपनी सेवा को लेकर बैठे अहंकार में। अगर सेवा में अहंकार आ गया, बात को बड़े ध्यान से समझना, चाहे वो दास की कीर्तन की सेवा हो, चाहे आपकी सेवा हो, हम सब सेवादार हैं गुरु नानक के। यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। गुरु मुझसे कीर्तन की सेवा ले रहा है, आपसे जोड़े घर की सेवा ले रहा है, सेवा सब बराबर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा वही सेवा है जित सतगुर का मन, जिस पर सतगुर का मन मान जाए। हो सकता है किसी के हेडफोन की सेवा पे मन मान जाए, कीर्तन की सेवा पे मन ना माने गुरु का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो सकता है कोई जोड़े घर में छुपके सेवा कर रहा हो निम्रता से, उस पे मन मान जाए उसकी सेवा पे गुरु का, हमारी सेवा पे नहीं माने क्योंकि हमारे में अहंकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो विनम्रता से सेवा करता है, जो विनम्रता से सेवा करता है वो सेवा कमा रहा है। जो ये कहे कि मुझे बताओ कौन सी सेवा करनी, जो ये कहे मैं यही करूंगा नहीं तो कल से नहीं आऊंगा, तो कैसी सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये दास ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे ऐसे सेवादार हैं यहाँ पर, सामने खड़े होकर कहते हैं भाई साहब ये सेवा मैं कर रहा हूं, अगर मैं चला जाऊं ना तो कल से ये सेवा ना हो। वाहेगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब आए थे विनम्रता थी सेवा में, आज अहंकार बढ़ गया है, मुझे तरस आता है, तरस। इतनी सेवा है उन लोगों की जिनकी दास बात कर रहा है। गुरु नानक मेहर करे ये विनम्रता आ जाए, ये ज्ञान हो जाए। हम क्या पढ़ रहे हैं? तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा।
मुकत भुगत, तेरी सेवा मुक्ति है, तेरी सेवा भुगती है, तेरी सेवा जुगती है, मुक्ति मिल जाएगी सेवा से। पर क्या है आगे, जिस तू आप कराए, जिससे तू सेवा कराए, कोई कर नहीं सकता। जो भी सेवा कर रहा है वो करवा रहा है उससे। हम कौन होते हैं सेवा करने वाले? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कौन होते हैं सेवा करने वाले? सेवा वो करवा रहा है, करवा रहा है। दास एक बात, ये बात स्टेज पे बताने वाली नहीं, फिर भी दास बताया था, कम से कम 15-16 साल पहले की बात है। दास एक शहर में गया पहली बार 20 साल ही हो गए शायद। इतना सत्कार मुझे पहली बार मिला, मेरे पे फूलों की वर्षा, ये वो जैसे सब करते, तो मेरे मन में अहंकार हो गया कि यार मैं तो कुछ बन गया हूँ। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। मैं फ्लाइट पकड़ रहा था चंडीगढ़ से बॉम्बे की, मुझे अभी तक वो घटना भूलती नहीं। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, फ्लाइट के अंदर पहुंचा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरा गला ऐसे बंद हुआ सत्संग जी, जैसे किसी ने ताला लगाकर चाबी फेंक दी, बिल्कुल आवाज ही नहीं निकल रही, सिर्फ सांस की आवाज आ रही। मैं परेशान हो गया, किया क्या है मैंने, ना ठंडा खाया ना खट्टा, हो क्या गया है मेरे गले को, कुछ समझ में नहीं आया। एक महीने तक बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर काटता रहा, बॉम्बे हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट को दिखाता रहा। वो कहते गले में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ना कोई एलर्जी है, ना कोई जख्म है, ना कोई सूजा हुआ, कुछ भी नहीं है, दवाई क्या दे। बोलिए धन गुरु नानक। चुपचाप बैठा रहा एक महीना, सारे प्रोग्राम कैंसिल, मन को सोचने का मौका मिला तो दिमाग काम किया, अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंक्तियां सामने आई, आप जपाए जपाए सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। वो गवा रहा है, तू गा रहा है, तू कौन होता है गाने वाला? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी गला बंद हो जाए क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब उसके हाथ में है। हम करने वाले नहीं है, वो कराने वाला है। जिस तू आप कराए, तेरी सेवा वही कर सकता है जिससे तू कराए, अगर तू ना चाहे वो नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए विनम्रता से सेवा बहुत बड़ी दात है, बहुत बड़ी। संगत जो सुनने वाली है उनको पहुंचने में समय लग सकता है गुरु तक, जो सेवा कर रहे हैं अपना आनंद छोड़कर, सेवा कर रहे हैं अपना आनंद छोड़कर, वो बहुत जल्दी आगे पहुंच जाते हैं, बशर्ते सेवा करने का ढंग आ जाए, विनम्रता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली शर्त सेवा के साथ सिमरन, दूसरी शर्त अहंकार बिल्कुल भी नहीं, मन में ये ख्याल भी ना आए कि मेरी वजह से सेवा हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तुझसे सेवा लेके दूसरे को दे देगा, खाली रह जाएगा तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस तू आप करा, जिस तू आप करा, जिस तू आप करा, जिस तू आप करा, जिस तू आप कराए, जिस तू आप कराए, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवा की तीसरी शर्त, और ये शर्त बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्चुअली में तो हर एक जरूरी है, पर ये शर्त अगर नहीं निभाई गई, अगर जिससे नहीं निभाई जाती ये वाली शर्त, वो सेवा छोड़ दे मेरे, मैं तो कहता हूँ मत करे, कीर्तन सुने बैठकर, जिससे ये वाली तीसरी शर्त ना निभाई जाए, नहीं कंट्रोल आता अपने आप पर। सेवा का तीसरी मूल शर्त है मीठा बोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे संगत सामने से कड़वे बोल बोल दे, सेवादार हाथ जोड़कर केवल मीठा बोल बोले, कड़वे बोल नहीं बोलने संगत को। जिसने ये गलती की, ऐसी इतिहास भरा पड़ा है इन घटनाओं से, जिसने भी ये भूल की जन्म का फेर पड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
क्योंकि वो तो सेवा करके कुछ लेने आया था, किसी का दिल दुखा दिया, उल्टा अपनी सेवा तो देकर चला ही गया, पता नहीं अपना सब कुछ ही देकर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सेवा में कड़वा बोलना है, किसी का दिल दुखाना है, दूसरे सेवादार को दिल दुखाना है, दूसरी संगत का दिल दुखाना है, हाथ जोड़कर बेनती है संगत में बैठ जाओ, कीर्तन सुन लो, मत करो ऐसी सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐतिहासिक घटनाएं दास सुना चुका है, पर मेरा मन है कि मुझे एक कमी और भी लगती है अपने सेवादारों में, गुरु के सेवादारों में, कि ये कीर्तन सुनते कम है क्योंकि सेवा में लगे रहते हैं, जब सुनेंगे नहीं तो उन्हें पता क्या चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए मैंने सामने बिठाया सारे सेवादारों को, आज के सामने बैठ के एक बार सेवा का प्रकरण सुन लो, सद्बुद्धि आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि हमसे ये गलतियां ना हो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दीवान सजा है, शॉर्ट में दास बता रहे हैं, भाई कीर्तिया चौर साहब कर रहा है, एक रिच वाला आया, कहने लगा मुझे यहाँ पर अपना कला का प्रदर्शन करने दो। वो कहता है रिच को कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आज्ञा दे देते हैं, रिच कला बजिया करके दिखा रहे, कर्तव्य करके दिखा रहे, संगत खुश हो रही। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी हंस रहे हैं, पीछे खड़ा भाई कीर्तिया भी हंस रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो चौर साहब कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गंभीर हो गए, कहने लगे भाई कीर्तिया पता है ये रिच कौन है? तेरे पिता शोभा राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने चौर साहब रख दिया कि मेरे पिता शोभा राम ये रिच, उन्होंने तो गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ सेवा करते हुए सारा जन्म बिता दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी नौवें गुरु नानक के साथ जो सेवा कर रहा हो, पूरा जन्म उसने सेवा में बिताया हो, फिर 84 लाख जोनिया भोग रहा हो, सोचो कैसी सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गलती क्या, कड़वे बोल। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो घटना बहुत लंबी था शॉर्ट में बता रहे, आगे बढ़ना चाहता है आप लोगों को समझा कर, कहने लगे तेरे पिता का स्वभाव बड़ा कड़वा, बहुत बार समझाया गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कि मीठा बोला कर संगत से, हाँ कह देता है पर कंट्रोल नहीं करता। एक बड़ी कमाई वाला, एक दिन कड़ा प्रसाद बांट रहे थे तेरे पिताजी, एक बड़ी कमाई वाला कोई जिसकी अवस्था ऊंची हो चुकी थी, सहज अवस्था को प्राप्त हो चुका था गुरसिख, वो बैलगाड़ी बार चलती छोड़कर भाग कर आया, कड़ा प्रसाद ले लूं गुरु साहब जी के दर्शन कर लूं, काम छोड़कर आया, बैलगाड़ी उसकी चल रही है बिना उसके, वो दौड़कर आकर गुरु तेग बहादुर साहब जी को माथा टेका और फिर प्रसाद लेने चला गया और कहने लगा मुझे पहले दे दो शोभा राम, मुझे प्रसाद का किनका पहले दे दो, मुझे जाना है जल्दी। कहने लगे तेरे पिता ने उसे 2 बार दुत्कार दिया कि पीछे हट। जब तीसरी बार इसने कहा कि मुझे मेरी बैलगाड़ी चल रही है, मुझे प्रसाद का किनका दे दो, पहले दे दो मुझे, तो तेरे पिता ने कहा कि क्यों रिच्छो की तरह ऊपर आ रहा है, तुझे कहा ना पीछे हट। इतने कड़वे लफ्ज कहे और हाथ ऐसे किया, वो कड़ा प्रसाद उसके हाथ में जो लगा था वो धरती पर गिरा। उस सिख ने जिसकी अवस्था सहज अवस्था थी, नाम में रंगा हुआ, उसने वो कड़ा प्रसाद का किनका उठाया, अपनी रसना पे लगाया और कहा रिच तो तू है, जैसे संगत से बात करने की तमीज नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत ने बोलते कैसे है पता नहीं, दिल दुखा देता है लोगों का, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो चला गया। पर गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे मेरी बांदी भगत छुड़ावे, बांदी भगत ना छूटे मुहे, मैं तो माफ कर दूं पर मेरे भगत ने शराब दिया है, मैं नहीं छुड़ा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने वाले के मुंह से निकला है, इसलिए उसे रिस का जन्म मिला है। तो भाई कीर्ति ने हाथ जोड़ दिए, अब तो आपके शरण में आ गया है मेरे पिताजी, अब तो बख्श दो, कहने लगे इसीलिए तो आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कड़ा प्रसाद की देख खुद खाई और शीत प्रसाद उस रिस को दिया, उसने श्वास त्याग दिए। आगे भी घटनाएं पर दास यहाँ पर रुककर सब बात करना चाहता है, ध्यान से समझिए, हम सेवा कर रहे हैं, हमें नहीं पता संगत में किसकी क्या अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता हो भी किसकी क्या अवस्था है, चलो माना पता है, पर संगत में है तो गुरु की संगत है, विच संगत हर प्रभ वस्य जीव, संगत में गुरु बसता है, संगत में रिश्तेदार कोई नहीं, संगत में मित्र कोई नहीं, संगत में बड़ा कोई नहीं, संगत में छोटा कोई नहीं, जो यहाँ पर बड़ा बन के आता है आगे आके बैठता है चौड़ा होकर के, मैं बड़ा हूं मुझे कोई रोक नहीं सकता, वो खाली जाता है, बात को समझो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको हमें अंदर लाना पड़ता है हाथ जोड़कर, पर जो इस तरह से आते हैं अपने रुतबे के हिसाब से आगे आके बैठेंगे कोई रोक नहीं सकता, वो कुछ लेके नहीं जा सकते, यहाँ पर वही लेके जाता है जो खाली होकर आता है, भरा हुए बर्तन में गुरु क्या डालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
यहाँ पर वितम विनम्रता से, यहाँ पर सबको एक दृष्टि से देखने की कोशिश करो, चाहे आपका रिश्तेदार हो चाहे आपका पहचान वाला हो, जो जिस तरह से सबको बिठा रहे हो वैसे ही बिठाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत में किसकी क्या अवस्था हमें नहीं पता, हाथ जोड़कर सामने वाला क्रोध भी करे कुछ बोल दे, देखो महापुरुषों के वचन है, समझो कोई सेवा कर रहा है, सामने वाला उसे बुरे अक्षर बोल देता है, सेवादार सह लेता है, सामने वाला अपनी सारी की हुई कमाई उसकी झोली में डाल के जा रहा है, फ्री में आपको सारी कमाई मिल रही है उसके, रात की खुशी से ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़ते क्यों हो, झगड़ा करके तो आपने अपना भी गवा दिया, चुपचाप सह लो सामने वाले के कड़ले लफ्ज, जो सहेगा वो लहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब लंगर प्रसाद की मर्यादा सुनिए, लंगर प्रसाद जो बनाते हैं लंग, जितने भी लंगर प्रसाद के सेवादार, कभी भी प्रसाद अपने लिए अलग निकाल कर नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं, बांट दो संगत में। सेवादार का काम है अपने आपको पीछे रखना, बचेगा तो मुंह को लगा लेंगे, अपने लिए निकाल के रखना पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, हम सोचते हैं हम सेवादारों के लिए निकाल लें, सेवादारों को समझाओ भाई पहले बांटो, बचेगा एक टुकड़ा भी बच गया वो भी आपके लिए फिर सच्चा प्रसाद है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु का प्रसाद कमी हो नहीं सकती है, डर मन से निकालो, जहां पर गुरु की संगत आ जाए गुरु की वाणी चल रही है प्रसाद में कमी नहीं आ सकती, भरोसा हो पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे कितने कर्तव्य हैं ऐतिहासिक, लंगर प्रसाद पे चादर डाल देते हैं और फिर अरदास करते हैं, पाछा तू वर्त सारे खा के चले जाते हैं, लंगर नहीं खत्म होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें भरोसा नहीं, हम पहले निकाल लेते हैं, जब पहले निकालेंगे फिर तो कम पड़ना ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये छोटी छोटी बातें हैं, साथ संगत जी ध्यान दो, मेरा कहना सिर्फ इतना, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या करते हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी झोली भर जाए, खाली ना जाए, सारा जन्म हो गया है सेवा करते हुए, सारा जीवन बीत गया, एंड आ गया है कई लोगों का, अगर ढंग ना आया तो खाली चले जाएंगे, क्यों खाली जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, ये जो ज्ञान दास बता रहा है मेरे हृदय में भी प्रवेश कर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तेरी सेवा, तेरी सेवा, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा। जिस तू आप कराए, 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 तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ऐतिहासिक घटना है बहुत ही कमाल की, कि सेवा कैसे, कैसे सेवा कितनी जल्दी गुरु से मिला देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस ढंग आ जाए, जो ढंग इन्होंने अपनाया, गुरु अर्जुन देव जी महाराज के समय की घटना, ये घटना ना बहुत ही लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी, अगर इसको डिटेल में सुनाना हो तो 1-1.5 घंटा चाहिए, दास बीच में से ले रहा है ताकि बात समझ में आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारी संगत कहती है मुझे कि आप हर चीज शॉर्ट में बताते हो, डिटेल नहीं बताया गुरु। असल में है क्या ना, मैं चाहता हूँ जब भी कोई प्रकरण हो उसका हर पहलू में आ जाए, होता हमारे पास 1.5 घंटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक,
एक सवा डेढ़ घंटा के हर पहलू का पता चल जाए, हर पहलू का, इसलिए दास शॉर्ट भी लेता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की घटनी, फफना गांव का भाई बहलो जो कब्रों की पूजा करता है, अपने गांव का प्रतिष्ठित आदमी है, सैकड़ों लोग उसके पीछे चलते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बहुत नाम है उसका। बहुत धनवान भी है। ये बहुत लंबी घटना है। आखिर में जब गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में आया, ये कैसे आया बहुत लंबी घटना है, फिर दास कभी ले लेगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में आया, माथा टेका, महसूस हो गया कि सही ठिकाने पहुंच गया हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के मन को शांति नहीं थी सब कुछ करते हुए भी, अब मन को शांति मिली गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करके। अब संगत करता है, रोज देखता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ईंटें पक रही हैं, ईंटें बनती है भट्टे में, क्योंकि वहां पे उसारी चालू है। गुरु अर्जन देव जी महाराज हरिमंदर साहब बनवा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृतसर शहर बसा रहे, श्री अमृतसर से। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज एक दिन भट्टे के पास आए, ईटे चेक करने लगे कैसी ईटे बनी है। ध्यान से देखा तो ईटे ठीक नहीं है, कच्ची है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना लाल है, कच्ची है, हाथ से ऐसी टूट रही है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे ईटे सही नहीं है, सही क्यों नहीं बन रही। तो सेवादार ने कहा कि मैला नहीं मिल रहा। मैला कहते हैं कूड़े करकट को, गंदा कचरा, जानवरों की लिद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सब मिल नहीं रहा, कोई लेके नहीं आता। संगत सारी सेवा तो कर लेती पर ये सेवा कोई करता नहीं, क्योंकि इतनी कचरा उठाना रास्ते में जाकर एक एक जगह पर लेकर आना, क्योंकि अगर वो सब कचरा डाला जाए गंदा भट्टी में तो ईंट बड़ी लाल और मजबूत पकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब ने ये बात सुनी, जितने भी संगत वहां आसपास खड़ी थी, और सुनी किसी ने, भाई बहलो ने भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रतिष्ठित व्यक्ति है शहर का, लोग उसके आगे पीछे चलते हैं, सैकड़ों लोग जब वो चलता है, इतना मान शख्सियत है भाई बहलो। पर अपनी सारी शर्म, सारा अहंकार, सब कुछ छोड़कर उसने टोकरी सर पर बांध ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुना सबने, माना भाई बहलो ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज तो वहां से चले गए। ये पूरा दिन रात लगा रहा, जितनी देर सोना, जितनी देर खाना, केवल उतनी देर आराम, बाकी दिन रात यही करता रहा। जहां पर भी कचरा पूरे शहर में दिखाई दे, मैला, जानवरों के लिए, उठाकर टोकरी में डालनी, ना कपड़ों की परवाह, ना किसी चीज की परवाह, लाकर भट्टे में डाल देनी। और जब इस बार ईंटें तैयार हुई, गुरु अर्जन देव जी महाराज आए, ईंटें देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, एकदम लाल पकी हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पांचवे गुरु नानक कहने लगे, ये ईंटें इतनी लाल इस बार इतनी अच्छी कैसे बनी। तो सेवादार का, सब सेवादारों ने कहा कि ये केवल और केवल भाई बैलू की सेवा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्होंने दिन रात नहीं देखा, दिन रात लगा दिया है सेवा करने में। गुरु अर्जन देव जी महाराज का ध्यान गया, भाई बैलू अभी भी टोकरी सर पर लेकर कचरा उठा के आ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज भाई बैलू को अपने पास बुलाया, छाती से लगा लिया अपने, कहने लगे, उस वक्त सुना सबने था, पर केवल तूने सोचा है कि ये सेवा मैं करूं, अपना अहंकार छोड़कर तूने ये सेवा की, अपना अहंकार छोड़कर। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहां पर वर दिया, भाई बैलो सब तो पहलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि दरगाह में जितनी भी सुविधाएं हैं तेरे लिए सबसे पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस धरती पर जितनी भी सुविधाएं हैं तेरे लिए सबसे पहले, भाई बहलो सब तो पहलो। सारी संगत देखकर हैरान हो रही, कैसे इतनी जल्दी थोड़ी सी सेवा करके गुरु अर्जन देव जी महाराज से इतना बड़ा वर ले लिया इसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसकी सेवा में खास बात क्या थी साध संगत जी? सेवा तो हम भी करते हैं, इसकी सेवा में खास बात थी, इतना बड़ा आदमी होते हुए उसने ये नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे। अपनी लाज शर्म अहंकार को त्याग कर इसने वो सेवा की, जो सेवा कोई करना नहीं चाहता था। एक तरह से बाथरूम लैट्रिन साफ करने की सेवा हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिल्ली में दास ऐसे एक परिवार को जानता है जो अरबों पति है,
अनलिमिटेड दौलत है जिनके पास, रात को पूरा परिवार गाड़ी में बैठता है 12 बजे 7 सेकंड जी, झाड़ू बाल्टियां कटका लेके सारा सामान लेकर हारपिक वगैरह लेकर पूरा परिवार पहले श्री बंगला साहब गुरुद्वारे में सारे बाथरूम लैट्रिन साफ करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं शीशगंज साहब गुरुद्वारे सारे बाथरूम लैट्रिन साफ करते हैं, सुबह तक फिर घर चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिनको ज्ञान हो गया ना, महाराजा रंजीत सिंह जी का इतिहास पढ़ोगे ना, राजा आधे इंडिया का बादशाह महाराजा रंजीत सिंह, ऐतिहासिक घटना आती है कि दिल्ली से संगत आई इकट्ठी होकर हरमंदर साहब सेवा करने के लिए, वहां पर सूखी और गीली सेवा होती है, सूखी सेवा होती है पहले सूखे कपड़े से पूरे हरमंदर साहब को सैकड़ों की तादाद में संगत मिलकर आती है, आज भी होता है ये, रात को रोज सूखी सेवा होती है, पहले सूखे कपड़े से एक एक चीज पहुंची जाती है ऊपर गुंबद से लेकर हर जगह पर, उसके बाद फिर पानी से दूध से स्नान होता है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, सेवा आई संगत दिल्ली से सेवा करने आई संगत, हाथ में सबके कपड़े बाल्टियां झाड़ू, महाराजा रंजीत सिंह हाथ में कपड़ा लेकर संगत में आके खड़े हो गए। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, सब हैरान हो गए, सब पीछे हट गए। महाराजा रंजीत सिंह कहने लगे, ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं कोई अछूत तो नहीं? प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? वो कहने लगे, आप महाराजा हैं, आप यहाँ पर आकर खड़े हो गए, आप आगे चलिए, हम आपके पीछे चलेंगे। कहने लगे, राजा मैं महल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, महाराजा रंजीत सिंह जी कहने लगे, राजा मैं महल में, ये गुरु रामदास जी का दर है, यहाँ पर मैं उनका कुत्ता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, यहाँ पर मैं कुकर हूँ, मुझ पर तरस करो, मुझे अपने साथ सेवा करने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, महाराजा रंजीत सिंह ने उनके साथ मिलकर सारे हरमंदर साहब की सेवा की, हर बार ये करते थे, ये होती है सेवा, जिसे ढंग आ गया सेवा करने का, विनम्रता, वो सब कुछ ले जाता है, वो सेवा कमा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, विच दुनिया सेव कमाई है, ता शर्त है दरगे बैसन पाई है, सेवा जो कमाएगा, जो करेगा नहीं, जो कमाएगा, कमाएगा कौन? जो सेवा करते हुए सिमरन कर रहा है, कमाएगा कौन? जो सेवा करते हुए विनम्रता से कर रहा है, कमाएगा कौन? जो सेवा करते हुए कड़वे बोल नहीं बोल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, तेरी सेवा मुक्त भुगत जुगत, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, भुगत भुगत जुगत, तेरी सेवा, जिस तू आप कराए, 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 तेरी सेवा, तेरी सेवा, मुक्त भुगत जुगत, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, भुगत भुगत जुगत, तेरी सेवा। पंच बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए, कैसा पुण्य एक गुर सिख को नवाय का। हर्ष बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सेवा का फल बताया है, सेवा का फल भाई साहब भाई गुरदास जी बता रहे हैं। 5 बार कोई गंगा का स्नान कर रहा है, 5 बार प्रयागराज का स्नान कर रहा है, और एक नाम जपने वाले गुरसिख को स्नान करा दो, सेवा कर दो उसकी, स्नान करा दो मतलब उसकी सेवा कर दो, नाम जपने वाले की, गुरसिख की बात की है यहाँ पर, कोई नाम जपने वाली आत्मा,
उसके लिए पानी गर्म करना, उसके लिए टॉवल रखना एक तरीका होता है। अगर वो कोई कर दे उतना फल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गुरसिख को, एक नाम जपने वाले को सेवा करने का फल देखिए। आगे सर्वन कीजिए। सिख को पिलाए पानी पाओ कर, कुरखेत अश्वमेध जग फल सिख को जीवाए का। ओ विश्वास नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वाणी भाई गुरदास जी कह रहे हैं, मानना पड़ेगा क्योंकि ये झूठ हो ही नहीं सकता। हमारी सोच, हमारी अकल छोटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भावना से, श्रद्धा से, विनम्रता से सेवा करने का जैसे ढंग आ गया, अगर किसी एक को, एक नाम जपने वाले को एक गिलास पानी पिला दे तो अश्वमेघ जग का फल उसे प्राप्त होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवा को आप समझो, आपके हाथ में है क्या, पहचानो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपके हाथ में दरगाह की चाबी है, बस संभाल के रखो, गवाओ मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे सात मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कीर्तन का एक शब्द सिखा दे किसी को भावना से, और मन में पीछे सोच हो कि ये आगे चलकर कीर्तन करे, संगत को जोड़े इस भावना से। जैसे सात मंदिर कंचन के उसार देने, उसके झोली में वो फल आता है, जैसे सात सोने के मंदिर बना के वो दान कर दे, उसका फल एक तरफ, ये एक शब्द सिखाने का फल एक तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में इस शब्द के दास ना ऊपरली अर्थ कर रहे हैं, इसके अंतरीय अर्थ बहुत गहरे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे 20 बार दर्शन साध किया, जैसे 20 बार दर्शन साध किया काहू, तैसा फल सिक्को चाप पग सुहाय का। कोई नाम जपने वाले का गुरु सिख के पांव दबाकर उसे आराम दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 20 बार किसी साधु के दर्शन करने, 20 बार पूर्ण साधु के दर्शन करने का फल उसकी झोली में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हरमंदर साहब में ऐसे मेरे मित्र हैं साथ संगत जी, गुरु की कृपा से, जो संगत बाहर से आती है ना, यहाँ वहाँ सोई होती है हरमंदर साहब में, यहाँ वहाँ कोई सरोवर के किनारे, कोई कहाँ, कोई कमरे कहीं नहीं मिलते। कई बार संगत बहुत ज्यादा आती है, रोज के 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग हरमंदर साहब पे रोज आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सैटरडे संडे को तो किसी होटल, किसी धर्मशाला में कोई कमरा नहीं मिलेगा अगर आपने पहले बुक नहीं कराया। तो संगत जो बाहर से आती है, वो बाहर यहाँ वहाँ लेटी होती है, तो वो क्या करते हैं, हाथ में तेल लेकर घूमते हैं, तेल की बॉटल्स। अपने दुकान पे काम खत्म किया और रात को 2-3 घंटे सेवा करते हैं, कुछ टोली बनाकर जितने भी बाहर आराम करे, जो बुजुर्ग है उनके पाँव दबाते, उनको मालिश करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब सोचो उनकी झोली में क्या फल पड़ रहा है। और ये सेवा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने खुद करके दिखाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज और माता जी रात को संगत जब बाहर से आती थी, भेष बदल कर जाते थे, कंबल मुंह में डालकर, और वहां जाकर सबकी सेवा किया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज संगत के पांव दबाते थे भेष बदल कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि अगर पता चल गया, देख लिया, कोई हाथरी लगाने देगा। हमें सिखाया है कि सेवा क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। एक बात यहां पर थोड़ी सी समझने वाली है, बड़ी ध्यान से समझना बात। अभी जो हमने सारी बातें की है वो सेवा है गुरु घर की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा गुरु घर की संगत में आई है, पर सेवा को इतना छोटा नहीं समझना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा केवल ये ग्राउंड के अंदर नहीं है, गुरुद्वारे के अंदर नहीं है। कोई रास्ते से जा रहा है, रास्ते में पत्थर है जिससे वो टकरा गया। ज्यादा करके हम क्या करते हैं, पत्थर है रास्ते में, गाड़ी साइड से निकाल ली, या खुद टकरा भी गए तो वहीं से 2 गालियां दी और आगे बढ़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
महापुरुष कहते थे अगर वो आदमी पत्थर हटाकर साइड में रख देता है, सेवा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने अब ये सोचा है कि जो पीछे आएगा उसे कोई नुकसान ना हो जाए। सेवा एक इतनी छोटी चीज नहीं है कि ग्राउंड में, गुरुद्वारे में या मंदिरों में ही सीमित रह जाए। सारा सेवा करने वाले के लिए सारा विश्व सेवा का स्थान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक टीचर है, टीचर है, उसे समय नहीं मिलता सेवा करने का, गुरुद्वारे में आने का। महापुरुषों के वचन दास कह रहे हैं, पर वो अपनी जो काम है टीचिंग की चीज करने का, उसे पूरी ईमानदारी से इस प्रकार कराती है कि बच्चों को ट्यूशन ना जाना पड़े। स्कूल में टीचर है, इतनी ईमानदारी से पढ़ा रही है, उसके मन की भावना ये कि बाद में बच्चों को ट्यूशन की फीस ना भरनी पड़े माता पिता को, वो इस भावना से पढ़ा रही है। सेवा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई डॉक्टर है, दवाई ये सोच के नहीं दे रहा कि मरीज बार बार आए, इस प्रकार इस भावना से दे रहा है कि एक बार चला जाए, वापस ना आना पड़े, इसे तकलीफ ना हो। सेवा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना काम पूरी ईमानदारी से करना सेवा है, रिश्वत ना लेना सेवा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवा का मतलब क्या होता है? अपना विचार नहीं करना, सामने वाले का विचार करना। जो सामने वाले का विचार करके काम करता है वो कोई भी हो, सेवा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे हमें सेवा करने का ढंग आ जाए। ये ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ मीठे बोलना है बाहर जाके गालियां देनी है। यहाँ मीठे बोलना है, ये तो ट्रेनिंग सेंटर है ना, यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेके जाते हैं बाहर जाके वैसा करना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अंदर तो बड़ा मीठा बोल रहा था, यहाँ पर कैसे बोल रहा है। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। हम सबको सेवा की दात बख्शे, जिस तो आप कराए, जिस तो हे गुरु नानक हे पाचा, हमें सेवा करनी नहीं आती, हम भूलनहार हैं, रोज गलतियां करते हैं, तरस कर अपनी सेवा आप ले ले, आप करा ले, अहंकार मत आने दे, ये भी तू ही कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मीठे बोलने के दांत भी तू ही दे सकता है, मीठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे मीठा तो तू बोलता है, तरस कर हमें भी वो मिठास आ जाए, विनम्रता आ जाए, सिमरन बंदगी दे ताकि सेवा करते हुए सिमरन करते रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब सारे सेवादारों को बेनती है अपनी अपनी सेवा में चले जाएं, क्योंकि संगत ना उठे पहले, सेवादारों को जाने दिए रास्ता मिल जाएगा, फिर बाद में उन्हें रास्ता नहीं मिलेगा, संगत बाद में, संगत तो उठा ही मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस तू आप करा, जिस तू आप करा, जिस तू आप कराए, जिस तू आप कराए, जिस तू आप करा, जिस तू आप कराए, जिस तू आप कराए, जिस तू आप कराए, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, भुगत भुगत जुगत तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, भुगत भुगत जुगत तेरी सेवा। जिस तू आप करा, जिस तू आप करा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, भुगत भुगत जुगत तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, भुगत भुगत जुगत तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, जुगत तेरी सेवा।
जगत तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, भगत भगत जगत तेरी सेवा। जिस तू आप कराए आप कराए जिस तू आप कराए जिस तू तेरी सेवा भुगत भुगत जुगत तेरी सेवा भुगत भुगत जुगत तेरी सेवा भुगत भुगत जुगत तेरी सेवा। जिस तू आप कराए 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 तेरी सेवा तेरी सेवा भुगत भुगत जुगत तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा मुकत मुकत जुगत तेरी सेवा। कभी बाज बेंती चौपाई हमरी करो हाथ दर चपूरन हुए चित की इच्छा तो चलन बन रहे हरे हरे सिद्ध करो सब होई दुष्ट जाय सुख के कोई
उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Oh.
जय गुरु जी की।